जिला खो खो संघ मुरादाबाद द्वारा दो दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन सेंट मीरा एकेडमी में किया गया, जिसमें प्रतियोगिता के प्रथम दिन प्रतियोगिता का उद्घाटन विद्यालय की डायरेक्टर पर्णिका प्रकाश और विद्यालय के प्रधानाचार्य पारुल अग्रवाल द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में मुरादाबाद जिले के लगभग 17 विद्यालयों से 27 टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता के प्रथम दिन बालक वर्ग में पहला सेंट मीरा एकेडमी काशीराम नगर और सीएमएस स्कूल के बीच खेला गया, जिसमें सीएमएस स्कूल ने जीत दर्ज की। दूसरा मैच सेंट मीरा एकेडमी मानसरोवर और गोल्डन गेट ग्लोबल स्कूल के बीच खेला गया, जिसमें ग्लोबल गेट स्कूल ने जीत दर्ज की। तीसरा मैच न्यू डेल स्कूल और रेनबो पब्लिक स्कूल के बीच खेला गया, जिसमें न्यू डेल जीत गया। चौथा मैच रेनबो पब्लिक स्कूल और आरआर के मुरादाबाद के बीच खेला गया, जिसमें जीत दर्ज हुई। पांचवा मैच न्यू ड्रेस स्कूल और ग्रीन मेडोज स्कूल के बीच खेला गया, जिसमें ग्रीन मेडोज ने जीत दर्ज की। बालिका वर्ग में पहला मैच न्यूडल्स पब्लिक स्कूल और विल्सोनिया कॉलेज के बीच खेला गया, जिसमें बच्चों ने कॉलेज में जीत दर्ज की। दूसरा मैच महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल और ग्रीन मॉडल स्कूल के बीच खेला गया, जिसमें ग्रीन मेडोज जीत दर्ज की। तीसरा मैच गोल्डन गेट ग्लोबल स्कूल और सेंट मीरा एकेडमी काशीराम के बीच खेला गया, जिसमें सेंट मीरा एकेडमी ने जीत दर्ज की। चौथा मैच सीएनएस एकेडमी और ग्रीन मॉडल स्कूल के बीच खेला गया, जिसमें ग्रीन मॉडल स्कूल ने जीत दर्ज की। पांचवा मैच राणा इंटरनेशनल स्कूल एवं पब्लिक स्कूल के बीच खेला गया, जिसमें एम पब्लिक स्कूल में जीत दर्ज हुई। विद्यालय के क्रीड़ा शिक्षक इसरार मनोज कुमार, रवि कुमार और अंकुर मलिक का पूरा सहयोग रहा। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में धीरज कुमार, रजत कुमार, अमन कुमार, आयुषी आदि अग्रवाल, साथ ही निशांत कुमार, संस्कार यादव भूमिका में नजर आए। जिला खो खो एसोसिएशन मुरादाबाद के अध्यक्ष श्री रोहित कुमार ने बताया कि कल प्रतियोगिता के आगामी मैच खेले जाएंगे और उनसे खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जो अगस्त माह में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। सर, ये जिला खो खो एसोसिएशन मुरादाबाद के द्वारा दो दिवसीय जूनियर खो खो प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ सेंट मीरा एकेडमी काशीराम नगर में किया जा रहा है। कितने बच्चे भाग ले रहे हैं इसमें? तो इसमें मुरादाबाद के लगभग 17 स्कूलों से 23 टीमें प्रतिभाग कर रही है, गर्ल्स और बॉयज। जो विजेता टीम होगी उससे कुछ आगे बढ़ने का सप्ताह जी? देखिए, जो भी यहाँ से विजेता और उप विजेता टीम होंगी उनको हम चयन करेंगे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए, जो आगामी अगस्त माह में आयोजित होगी। क्या मकसद है पूरे कार्यक्रम का? सर, कार्यक्रम का मकसद यही है कि मुरादाबाद के जो खो खो खेल में खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना। कौन कौन लोग हैं आपके उस प्रतियोगिता सहयोग करने वाले? प्रतियोगिता में सहयोग करने के लिए सभी सर खेल प्रशिक्षक मुरादाबाद के मुझे पूरा सहयोग दे रहे हैं, साथ में हमारे विपिन जगमौला जी, देवेंद्र राणा जी, इशरार खान और बाकी सभी लोगों का साथ हमेशा मिलता रहा है। भविष्य में ऐसे प्रयास और भी किए जाएंगे? जी, भविष्य में हमेशा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सके, ताकि उभरते हुए खिलाड़ियों को हम आगे तक मंच देने का